एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं हूँ शगुफ्ता अली, और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही नाइस प्रोजेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, सिंपल कैरोसेल्स यूजिंग इंडिकेटर्स। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। और सबसे अच्छी बात ये वीडियो की गाइस कि मैं जो भी बनाने जाती हूँ उसके बाद मैं उस चीज़ का कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि इफ़ यू वांट टू चेक सो आप आसानी से अपने कोड को टैली कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ फाइल्स क्रिएट किए हैं गाइस। बहुत दफ़ा मैंने बताया हाउ टू क्रिएट HTML, CSS एंड JavaScript फाइल्स एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। सबसे पहले गाइस हम HTML के अंदर आकर कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्लास बना रही हूँ सेंटर की। तो इस क्लास के अंदर मैं एक और क्लास बनाऊंगी रैपर, और रैपर की क्लास के अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगी इनर की, ठीक है। और इनर की क्लास के अंदर अब हम क्लास बनाएंगे कार्ड की, ठीक है गाइस। सो इस कार्ड की क्लास के अंदर मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ, पिक्चर मैं ऑनलाइन लूँगी, इमेज सोर्स। जब मैं कोड आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं एक वेबसाइट पर आ गए और यहाँ से मैं पिक्चर जो है वो लैंडस्केप में ले लेती हूँ। लाइक इस पर मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेती हूँ और VS कोड में आकर इसको यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगी, लाइक इन दिस वे। देन इफ़ यू वांट टू गिव द ऑल्डर टेक्स्ट, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर क्लोज कर दें, ठीक है जी, इंटर कर दें। इसी के साथ साथ गाइज, अब यहाँ पर आपने कोई क्लास बनानी है कॉन्टेंट की, और इस क्लास के अंदर आपने एक H1 लेना है, और इस H1 के अंदर आप नाम लिख सकते हैं क्या चीज़ है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर इसका टीम हेड लिख देती हूँ फ़िलहाल, ठीक है जी। इसी के साथ आप H3, इसकी सब ड्यूटीज़ या कुछ भी वराबर H3 में जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप। फ़िलहाल मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ सब टाइटल, ठीक है जी। तो अब क्या करना है गाइस, आपने कंटेंट के डिव से और कार्ड के डिव से बाहर आ जाना है, लाइक इन दिस वे। तो दिस वन इज़ हमारा कंटेंट का है और ये हमारा कार्ड का है। इन दोनों को से मैं बाहर आऊँगी, और अब आप अपनी जितनी भी कॉपीज़ बनानी है आप यहाँ से कार्ड की कॉपी बना सकते हैं, Ctrl+C फॉर कॉपी एंड देन Ctrl+V फॉर पेस्ट 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने गाइस कुछ 7 कार्ड्स ऐड कर लिए हैं, पिक्चर्स हम चेंज कर लेंगे आराम से, इट्स नॉट अ बिग डील। अब करना है कि इन सब सारे डेव से बाहर आ जाएंगे आप, और बाहर आ जाने के बाद यू कैन क्रिएट द अगेन क्लास मैप, और इस मैप की क्लास के अंदर आप कुछ बटन ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम बटन, इसकी क्लास को मैं नीचे भेज देती हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ बटन्स लेंगे गाइस, तो मैं बटन, तो बटन में मैं एक क्लास ऐड करूँगी और क्लास का नाम हम एक्टिव फर्स्ट रख देंगे, ठीक है जी, एक्टिव फर्स्ट। सो इसी के साथ साथ, मतलब इस वक्त ये दो क्लासेस हैं, डू यू रिमेम्बर्ड, ठीक है। इसी के साथ साथ यू कैन क्रिएट एन अदर बटन, इसको भी क्लोज कर लें आप, और इसकी भी क्लास रख लें आप सेकंड, और इस क्लास को आप सेकंड का नाम दे दें, ठीक है जी। एंड देन यू कैन टेक एन अदर बटन एज वेल, और इस बटन को आप थर्ड का नाम दे देंगे, क्लास थर्ड, ठीक है गाइस।
अच्छा, इस कोड को मैं यहाँ से कट करके गैलरी के कोड के अंदर पेस्ट कर लूँगी। ठीक है जी। सो गाइज, यहाँ पर हमारा HTML वाइंड अप हो गया। नाउ मूव ऑन दिस CSS। अब हम CSS की तरफ आ जाते हैं और CSS को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंटर, जो आपने पहला डिव बनाया था। सो यहाँ पर गाइज, हम सेंटर की सेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अलाइन आइटम ले लेंगे सेंटर के अंदर। इसी के साथ साथ हम डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ्लैग्स डायरेक्शन, जो क्या है कॉलम। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हाइट इज 100%। एंड द जस्टिफाई कॉन्टेंट इन सेंटर्ड। ओके, इसी के साथ साथ गाइज, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रैपर, अनदर क्लास। सो अगेन, डिस्प्ले इज अ फ्लैक्स। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ग्रिड गैप। सो मैं ग्रिड गैप प्रोवाइड कर देती हूँ। सो ग्रिड गैप के अंदर हम सबसे पहले 1 REM या बल्कि EM रख लेते हैं। इसी के साथ साथ ओवरफ्लो वी आर गोइंग टू गेट द हिडन। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विड्थ 55 EM। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, इट्स अ रैपर। और रैपर के साथ हम इनर को ऐड कर देते हैं। देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डिस्प्ले एज वेल एज फ्लैक्स। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पर भी आप जो ग्रिड गैप है उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर देंगे सेम 1 EM। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट द ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड इज इन आउट। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, इज अ कार्ट। सो कार्ट पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस 0.5 EM। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉक्स शैडो। सो इम्प्लीमेंट द बॉक्स शैडो इज 1 px, 10 px एंड RGBA। प्रोवाइड दिस 0 टैप एंड इन द एंड अल्फा में 0.5 रख देते हैं फॉर द ट्रांसपेरेंसी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, इट्स अ कार्ड। एंड देन इमेज। सो आप कार्ड में जो इमेजेस लेंगे आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इमेजेस हम अभी इन द एंड आराम से चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस एंड देन दोनों ही लेफ्ट रेडियस। दोनों को मैं ले रही हूँ, पहला इनहेरिटेंट, इसी के साथ साथ लेफ्ट ले लिया, राइट ले लेते हैं। एंड अगेन इनहेरिट। इसी के साथ साथ डिस्प्ले ब्लॉक। नेक्स्ट कोड है ऑब्जेक्ट फिट, इसको आप कवर कर लें। एंड देन एस्पेक्ट रेशो हम रख रहे हैं 16:9।
उनके विद में आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कैरोसेल है, ज़ाहिर सी बात है कैरोसेल्स के अंदर नॉर्मली विद ज़्यादा होती है और हाइट हम कम ही रखते हैं। 17.5 वन, सेटिंग को मैं ज़रा टैप कर दूँ। सो इसके बाद गाइज हमारे पास कार्ड प्लस कंटेनर है, तो हम कार्ड के साथ जो है ग्रेटर दैन कंटेनर यूज़ कर लेते हैं, या कंटेनर नहीं है तो कंटेंट, दोनों में से कोई सी भी क्लास आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, हैश। आई एम गोना प्रोवाइड द कलर कोड 041। ओके, इसी के साथ साथ बॉर्डर बॉटम लेफ्ट आप दे देंगे, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस अगेन इनहेरिट। इसी के साथ साथ अगेन आप इसमें बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस प्रोवाइड कर देंगे, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस इनहेरिट। ठीक है जी, इसी के साथ साथ पैडिंग को आप रख लें 1 em एंड देन टैक्स अलाइन को कर दें आप सेंटर। सो नेक्स्ट क्लास इज डॉट कार्ड। कुछ ऐसे मेथड हैं जिनके अंदर आपको सिमिलर क्लास इम्प्लीमेंट करनी होगी, तो यहाँ पर मैं उसको कॉल करा रही हूँ आपके सामने, प्रोवाइड कॉमा। इसी के साथ साथ अगेन डॉट कार्ड डॉट कॉन्टेंट एंड h3। ये सेटिंग दोनों में इम्प्लीमेंट करनी है, मार्जिन्स की 0.35 em एंड 0। ठीक है जी, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। मूव ऑन द डॉट कार्ड डॉट कंटेंट। अच्छा, ये लिस्ट में मेरे पास खुद ही css आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो है वो html आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटेलिजेंस आपको करना बताए हैं, तो ये उसकी वजह से ही हो रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर जो फोन का कलर है हम यहाँ पर वाइट दे देते हैं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रखा है, दैट्स वाई जो भी हेडिंग होगी वो इस कलर के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी के साथ फॉन्ट साइज रख लेते हैं, जो कि है 1.25 em रख देते हैं, या rem कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसके साथ साथ लाइन हाइट हम 1 रख देते हैं, ओनली 1। ओके, मूव ऑन डॉट कार्ड डॉट कॉन्टेंट एंड देन कॉन्टेंट के अंदर जो आपने h3 बनाया है, अब उसके ऊपर आपने अलग से कुछ सेटिंग करनी है। इसमें हम कलर प्रोवाइड करेंगे टैक्स का, कलर के लिए वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर कोड एज हैश। ओके, देन फॉन्ट साइज 0.9 rem एंड देन द फोन वेट 300 कर देते हैं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास इज अ मैप क्लास। सो मैप क्लास में मार्जिन टॉप हम रख देंगे 1 em। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट इट्स अ डॉट मैप
एंड देन बटन, जो हमने बटन बनाए मैपिंग मैप के अंदर, सबसे पहले ऑल अनसेट, इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट करना है, हैश 072138। इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द कर्सर इनटू अ पॉइंटर एंड देन इम्प्लीमेंट द मार्जिन 0.125 em, and after that position is a relative. User select को none कर देते हैं, so implement the border radius as well as border radius is 100%, and then we are going to implement the height 1 em, and then provide again the width is 1 em. I think 1 em से better है कि मैं इनको 0.5 em कर देती हूँ, फिर अपने हिसाब से आप चेंज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। आई थिंक 1 सही है, इसको हम 1 ही रख लेते हैं, 0.5 हम इसकी एक्टिव में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास मैप, देन बटन डॉट एक्टिव, एंड आफ्टर का सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड कलर, कोड प्रोवाइड कर रही हूँ बैकग्राउंड का, ओके मूव ऑन द कंटेंट, afterward we are going to implement the left 50%, position absolute, and then transform I'm implement kar deta hai translate minus 50%, comma minus 50%। सो टॉप को हम रखते हैं 50% पे, देन इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस 100%। सो अब यहाँ पर हम हाइट 0.5 em रख देते हैं, एंड विड्थ को भी हम 0.5 ही रख देते हैं, ठीक है गाइस। सो यहाँ तक हमारा CSS कंप्लीट हो गया है। सो गाइस अगर प्रीव्यू चेक करना चाहते हो उसका प्रीव्यू चेक कर लेते, क्योंकि CSS और HTML तो कंप्लीट हो गया ऑलवेज। इसको रन कराते हैं, सो रन करा के चेक करते हैं, नाउ इट्स लुक लाइक दैट। अब इसमें हम जो है वो जावास्क्रिप्ट से इसको एनिमेट कराते हैं, सो मूव ऑन दी जावास्क्रिप्ट फाइल और स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट डाउन करना। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट बटन रैपर, जहां मैं कैप्स लॉक ओपन कर रही हूँ क्लास में, आपने भी वही करना होगा, क्योंकि यू कैन नो वेरिएबल के क्लास को क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, तो यहाँ पर जो क्लास कॉल करेंगे गाइज इट्स अ डॉट मैप, जो आपके HTML के अंदर है, ठीक है जी। इसी के साथ कंस्ट्रक्ट कर लें अगेन
यहाँ पर मैं स्लाइड्स का एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर रही हूँ और उसी को मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, देन यहाँ पर हम इसमें इनर को होल्ड करा दें। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शंस क्रिएट करना। बटन रैप डॉट एड इवेंट लिसनर, देन यहाँ पर क्लिक कॉमा ई सो। अब यहाँ पर फंक्शन राइट डाउन करना है आपने, जो भी आपने बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ प्रोवाइड करेंगे, मैंने गैप दे दिया, गैप नहीं देते। सबसे पहले इफ़, अब यहाँ पर कंडीशन है ई डॉट टारगेट डॉट नोड नेम बराबर हो जाएगा बटन के फंक्शन। यहाँ डिक्लेयर करना होगा आपने एरे डॉट फ्रॉम बटन रैपर डॉट चिल्ड्रन डॉट फॉर ईच, एंड देन जितने भी आपने आइटम्स क्रिएट किए हैं वो सारे आ जाएंगे। आइटम इक्वल्स टू आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एंड देन एक्टिव। इसी के अंदर ही रहते हुए ओके मूव ऑन अगेन इफ स्काई स्टेटमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। ओके इफ के अंदर बगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स फर्स्ट। तो यहाँ पर आपने जो कोड है वो कंप्लीट लिखना है। स्लाइड्स डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म्ड STYLE ट्रांसफॉर्म। मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है। ओके ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू कोटेड में ट्रांसलेट, क्योंकि हम ये खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी CSS की। जीरो person complete this। इसी के साथ साथ e dot target dot class list
dot add. And right here in a quartet active, ठीक है जी, एंड क्लोज दिस स्टेट. तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया. एंड यहाँ पर अब एल्स इफ का ऑप्शन लगा देंगे. सेम स्ट्रक्चर स्पेलिंग ओपन कर लिया करें ताकि यू नेवर फेस द इश्यूज. एल्स इफ में ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स. नाउ यू कैन राइट हियर द सेकेंड चाइल्ड. सो यहाँ पर रखकर अगेन आपने स्ट्रक्चर को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. सो अगेन स्लाइड्स डॉट स्टाइल्स डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट एड अगेन. अब यहाँ पर ट्रांसलेट आप अगेन करेंगे ट्रांसलेट एक्स. सो ट्रांसलेट एक्स के अंदर अब आप रखेंगे यहाँ पर -33 वैल्यू. So move on again, then do slides with a small letter. So usko hum slides ko small letter mein jo hai wo write down karenge. Slides dot style, sorry humne le liya e dot target se lenge. So e dot target dot class list dot एड एंड कोटेड ओपन. एंड अगेन यहाँ पर आप इसको एक्टिव का मैथड प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, थर्ड वन भी सेम रहेगा. बस इसमें क्या होगा, थर्ड वन के अंदर आपने जो है अगेन एल्स इफ प्रोवाइड करना है, उसी को ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं. ठीक है जी, और बस सिर्फ हम वैल्यूज चेंज कर देंगे. इसी को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं. सेकंड की जगह पे आप हम इसको थर्ड कर देंगे लाइक इन दिस वे. और जो वैल्यू है गाइस उसको हम चेंज कर देते हैं एंड देन यहाँ पर 6 आ जाएगा. ओके जी, ठीक है गाइस, ओवरऑल वैल्यूज आर सिमिलर. यहाँ तक हमारा कोड जो है वो वाइंड अप हो गया है. सो रन करा के रिज़ल्ट चेक करते हैं. आने से पहले काम ये करते हैं कि बाकी सब इमेजेस का जो लिंक है वो भी हाथों हाथ ही चेंज कर लेते हैं ताकि प्रॉपर वे में हम वर्क कर सकें. तो यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स के लिंक दोबारा से कॉपी कर देती हूँ, कॉपी इमेज एड्रेसेस, और मैं उसको जो है वो अपने कार्ड्स के अंदर, क्योंकि हम जितने भी कार्ड्स लिए हैं उनके अंदर उसको मैं प्लेस कर दूं वन बाय वन. सो मैंने 1, 2, 3 थर्ड वन को चेंज कर लेते हैं और इसी तरीके से बाकी आप सबको भी कॉपी पेस्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे के साथ. और मैं वन बाय वन जो है इनके एड्रेसेस को चेंज कर लेती हूँ एंड देन फिर आपको 2-3 का ही करते हैं, बाकी आपको रिजल्ट गो थ्रो करा देते हैं. देन फिर बाकी का आप खुद प्रॉपर वे में कर लीजिएगा. सिर्फ मैं आपको जो कैरोसेल का व्यू है सिर्फ वो चीज चेक करा देती हूँ. सिर्फ एक और के ऊपर मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ.
ओके यहाँ कर देते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर इसको हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। सो अब इसको रन करा के देखते हैं रिजल्ट गाइस, रिजल्ट क्या क्या आता है और रिवल करते हैं इसको। सो रिज़ल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा और बहुत ही नाइस इफेक्ट है कैरोसेल का। ओके सो नाउ यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम सेकंड पे, हमारा कैरोसेल आगे स्विच हो रहा है एंड देन फर्दर मोर। सो जितनी पिक्चर्स लेते जाएंगे गाइस इस तरीके से मूव होती रहेंगी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने ही आप जो है वो बटन्स क्रिएट कर लें, कितने कैरोसेल्स क्रिएट कर लें। सो वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वे इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट कैरोसेल्स इन योर वेबसाइट। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू द सोर्स कोड ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।